मैं कल मीडिया में देख रहा था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सेना में वही लोग जाते हैं जिन्हें दो वक्त खाना नहीं मिलता। ये कैसी सोच है कुमार स्वामी जी? आप ये कहकर नहीं बच सकते कि आपके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। अब वहां है, खड़े रहने दो, अभी परेशान मत करो उनको। आप जो मुझे देख नहीं पा रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, मेरी आवाज सुन लीजिए, मैं बाद में फिर सामने आकर के आपको प्रणाम कर दूंगा। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला। आपने वही कहा है जो आपके दिल में है। देश की सेना का इतना बड़ा अपमान, भाइयों बहनों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या यहां के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जिनको दो टाइम खाना नहीं मिलता है वो सेना में जाता है? क्या ये हमारे वीर सैनिकों का अपमान है कि नहीं है? हमारे सुरक्षा बलों का अपमान है कि नहीं? ये इनको शोभा देता है क्या? क्या इससे वोट मांगोगे क्या? जो देश की सेवा के लिए जाते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी गुजरते हैं, कुछ भी कर गुजरते हैं, अरे शून्य से भी 40-45 डिग्री कम तापमान में बर्फी हवालों में हवाओं को सहते हैं, रेगिस्तान में 50 डिग्री तापमान में जो जलते हुए सूरज को बर्दाश्त करते हैं, जो महीनों महीनों तक समंदर में तिरंगा लिए दुश्मनों को भटकने नहीं देते, उनके लिए ऐसे शब्द, ऐसी सोच? अरे डूब मरो, देश की सेना का अपमान करने वाले।